नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका रेखा बुटीक के चैनल पर। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं छह कली का पेटीकोट। अभी छह कली का पेटीकोट तो हम सिलाएंगे, लेकिन छह कली के पेटीकोट को हम डबल झालर डबल फ्रिल वाले पेटीकोट हम सिलाने वाले दोस्तों। तो हमारा वीडियो आप लास्ट तक देखिए, और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा। तो इसके छह कली के पेटीकोट को लिया हमने 2.5 मीटर कपड़ा लिया है दोस्तों, क्योंकि फ्रिल लगाने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा होना होता है, तो इसलिए हमने 2.5 मीटर कपड़ा लिया है। ये तो 2 मीटर में पेटीकोट हो जाता है, लेकिन कस्टमर की डिमांड है तो हमें थोड़ा घेर ज़्यादा बड़ा बड़ा चाहिए, और फ्रिल के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए था, इसलिए हमने 2.5 मीटर कपड़ा ले लिया। तो देख सकते हैं आप, पेटीकोट की लंबाई है लंबाई है पेटीकोट की 40 इंच लंबाई है दोस्तों। और जो कमर है पेटीकोट की, कमर है 38 इंच कमर। तो इस नाप का हमें पेटीकोट सिलाना है। तो लंबाई हमारी 40 इंच और कमर हमारी 38 इंच, ठीक है। तो अब आप ध्यान से समझ लीजिएगा दोस्तों, हम जो बड़ी फ्रिल लेने वाले हैं दोस्तों, तो बड़ी फ्रिल हम लेंगे 5 इंच और छोटी वाली फ्रिल लेंगे हम 3 इंच, यानी 5 और 3 8, प्लस उसमें 2 करना है हमें नेफा पट्टी के लिए, यानी 10 इंच हमें पूरे लंबाई में से माइनस करनी है। अब हमारी पूरी लंबाई है 40 इंच, तो 40 इंच में से हमें 10 इंच माइनस करना है दोस्तों। तो 40 माइनस 10 हम लेंगे 30 इंच पहले पूरी लंबाई पेटीकोट की। देख सकते हैं ये 2 फोल्ड का कपड़ा है, देख सकते हैं आप, यहां से बंद बाजू है। इस तरह से हम पहले यहां से शुरुआत करेंगे। अब मैंने ये 4 फोल्ड कपड़ा ले लिया है, जैसे मैंने आपको बताया हमारी लंबाई है 40 इंच, हम 40 माइनस 10 करेंगे। 40 माइनस 10 यानी हम लेंगे ही पूरा 30 इंच। देख सकते हैं आप, मैंने आधा इंच एक्स्ट्रा लिया है सिलाई के लिए, तो आप भी आधा इंच एक्स्ट्रा लीजिएगा सिलाई के लिए। देख सकते हैं 30.5 इंच में ले लिया है। ये पूरा जो कपड़ा आता है वो पूरा कपड़ा हम लेंगे, यानी पना पूरा लेंगे। तो हम अभी यहाँ पूरा पना देख सकते हैं हम कितना है, तो यहाँ 17 इंच हमारा पना है कपड़े का। तो यहां लेंगे हम 5.5 इंच, 5.5 इंच लेंगे फ्रेंड्स हम, यहां 5.5 इंच इस साइड बंद बाजू साइड में लिया है 5.5 इंच, और इस तरह से खुली वाली साइड से लिया है हमने यहां 5.5 इंच। बहुत आसान तरीके से आपको ये बताने वाले हो इस वीडियो में, इस तरह से आप इसे ड्रॉ कर लीजिए। बहुत ही शानदार और सुंदर पेटीकोट तैयार होता है फ्रेंड्स इसे सिलाने के लिए। इसे हम काट कर अलग कर देंगे, ठीक यहां से काट लेंगे दोस्तों। अब यहां से हम लोगों दूसरा दिया से हम ओपन करेंगे। ये देख सकते हैं दोस्तों, हमने यहाँ ये बाजू जो आती है पूरी बंद बाजू आती है कली की, और ये जो आती कलिया ये खुली आती है, यानी 4 कलिया हमारी निकल जाती है इधर से, देख सकते हैं आप खुली, और ये हमारी अखंड 2 कलियां निकल जाती है। तो इस तरह से ये हमारी 6 कलियां रेडी है।
अब हम निकालेंगे फ्रिल। ठीक है दोस्तों, तो फ्रिल के लिए हमें जो हमारा कपड़ा बचा है वो कपड़ा यूज करेंगे हम। अब हमारी पहली हमने बड़ी फ्रिल ली है 5 इंच, यहां पांच और यहां पांच, सीधी लाइन में ड्रा कर लेंगे। इस तरह से हम इसे बड़ी फ्रिल, अब निकालेंगे हम छोटी फ्रिल। तो छोटी फ्रिल के लिए हम 2-2 इंच लेंगे, या 2.5 इंच या 2 इंच ले सकते हैं। मैं 2.5 इंच लूंगी, यहां 2.5 इंच। इस तरह से ठीक है, ये हमारी हो गई छोटी फ्रिल। अब इसे हम नेफा निकालेंगे। हाँ ठीक है, बंद कर अभी। हाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स आप, हमने इस तरह से कलिया जोड़नी है। हम यहां से स्टिचिंग करेंगे, यहां से हमें स्टिचिंग करना है। इस तरह से हमें 2 पार्ट रेडी करना है दोस्तों। तो पहले आप 2 पार्ट रेडी कर लीजिए, फिर आपको मैं बताऊंगी फ्रिल कैसे लगाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना सिलाना। इस तरह से स्टिचिंग करेंगे। हमें दूसरी कली भी जोड़ लेनी है दोस्तों, इस तरह से हमें 3-3 कलियों का 2 पार्ट हमें रेडी करना है। देख सकते हैं आप, हमने दोनों एक पूरा पार्ट रेडी किया है, दूसरा पार्ट रेडी करेंगे। देखिए दोस्तों, इस तरह से हमने स्टिचिंग लगा ली है और इधर से भी स्टिचिंग लगा ली है। ये तीनों कलियां हमने इस तरह से जोड़नी है। इसी तरह से हमें ये 2 पार्ट रेडी करना है। देखिए इस तरह से हम दोनों पार्ट रेडी कर दिए हैं। देख सकते हैं हमारे पेटीकोट को कितना बड़ा घेरा आया है। इस तरह से हम दोनों पार्ट रेडी करेंगे। ठीक है, अब इसे हम एक तरफ से पूरा स्टिचिंग कर लेंगे और दूसरी तरफ से हमें नाड़ा लगाने के लिए इस तरह से हमें फोल्ड करना है 2-2 इंच दोनों साइड। इस तरह से हमें 2-2 साइड ऐसा फोल्ड करना है नाड़ा लगाने के लिए यहाँ से। ठीक है, तो अब हम इसके यहाँ से पूरी स्टिचिंग करेंगे और इस साइड भी हम स्टिचिंग करेंगे। तो बस जो हमने बड़ी फ्रिल के लिए पट्टियाँ निकाली थी फ्रेंड्स 5-5 इंच की, उसे हम करेंगे जॉइंट। देख सकते हैं आप, ये अलग अलग से निकली है, तो इसे हम फ्रिल लगाने के लिए जॉइंट करेंगे। तो इसे हम इस तरह से जॉइंट कर लेंगे ताकि फ्रिल लगाने में हमें आसानी हो। तो
और जो घेरा हमें सिया हुआ है पेटीकोट का, बस उसे इस तरह से ये थोड़ी हल्की हल्की प्लेट देकर इसे अटैच कर देंगे। इस तरह से हमें ज्वाइन की कर ली है। अब हम इसे, जो हमने ये घेरा सिलाया है पेटीकोट का, देख सकते हैं आप, इस घेरे को हम नीचे से, नीचे की बाजू हम इसे प्लेट, बारीक बारीक प्लेट में हम इसे अटैच कर देंगे। अगर कोई कली कम ज़्यादा हो तो आप इसे काट कर इस तरह से कवर कर लीजिएगा। देख सकते हैं इस तरह से हम पेटीकोट के ऊपर रखकर इसे बहुत ही पतली पतली और बारीक बारीक प्लेट लेंगे। ऐसी इस तरह से चुन्नियाँ ऐसी छोटी छोटी इस तरह, ज़्यादा दांत नहीं, ज़्यादा बड़ी और दांत नहीं लेंगे, क्योंकि कपड़ा ये प्लेट कम पड़ जाएगी। और अब हमने कपड़े के हिसाब से ये पट्टियाँ काटी है, तो बस ऐसी पतली पतली प्लेट लेनी है हमें इस तरह से। पूरे घेरे को हमें ये पट्टियाँ इस तरह से प्लेट के द्वारा जोड़नी है। बस देखिए दोस्तों, हमने इस तरह से इसे पहली यानी बड़ी वाली फ्रिल लगा ली है। इस तरह से हमें बहुत पतली पतली प्लेट लेनी है, इस तरह से हम लगानी है, और इस तरह से हमें ऊपर से ऐसी प्रेस मशीन मार लेनी है। ठीक है दोस्तों, अब जो नीचे के पार्ट में हम लगाएंगे छोटी 2.5 इंच की प्लेट यानी फ्रिल लगाएंगे, और इसके बाद हम लगाएंगे कमर का नेफा लगाएंगे, यहाँ पे 2 इंच का नेफा लगाएंगे फ्रेंड्स। तो रेडी होने के बाद मैं आपको बताने वाले हूँ इस किस तरह से दिखेगा। तो अभी सबसे पहले हम लगाएंगे छोटी फ्रिल। ठीक है, हमने जो छोटी फ्रिल के लिए जो पट्टियाँ निकाल दी दोस्तों, तो हमें इस तरह से ज्वाइन कर लेनी है। हम ये पट्टियाँ करेंगे ज्वाइन इस तरह से, तो फ्रिल लगाने के पहले ये फ्रिल की जो पट्टी है, तो फ्रिल लगाने के पहले नीचे की बाजू हम इस तरह से इसे बारीक सा ऐसा ऐसी गोट लगा देंगे, ताकि कुछ धागा वगैरह या फिनिशिंग अच्छी आए पेटीकोट की, तो इसलिए हम इसे ऐसा इस तरह से इसे गोट लगा देंगे नीचे की बाजू। देख सकते हैं आप इस तरह से, पूरी पट्टी को हम पहले लगा देंगे गोट। बस ठीक है, देख सकते हैं दोस्तों, हमने इस तरह से पूरी पट्टी को नीचे वाला गोट लगा लिया है। अब हम इसे फ्रिल में लगाएंगे। तो फ्रिल में लगाने के लिए जो हमने बड़ी वाली फ्रिल लगा ली है दोस्तों, देख सकते हैं आप, जो हमने बड़ी वाली फ्रिल लगा ली है, उसके नीचे हमें ये फ्रिल इस तरह से ऐड करनी लगानी है, और थोड़ी प्लेट, थोड़ी डाट लगानी है इस तरह से, ऐसी छोटी छोटी प्लेट ले इस तरह से हमें पूरी बड़ी वाली प्लेट को छोटी छोटी झालर लगानी है। तो पूरी लगा देंगे, पूरी प्लेट को हम लगा देंगे झालर को, और देख सकते हैं आप इस तरह से रेडी होने वाली है हमारी पूरी, इस तरह से ये बड़ी वाली प्लेट और ये छोटी वाली झालर नीचे। बस देखिए दोस्तों, हमने इस तरह से इसे फ्रिल लगा ली है, पूरी सी फ्रिल हमने लगा ली है, ये बड़ी फ्रिल है छोटी फ्रिल, और 75% हमारा पेटीकोट सिला के रेडी हो गया है। अब हमें बस लगाना है इसे नेफा लगाना है। नेफे के लिए हमने पट्टियाँ पहले से काट रखी है। नेफा लगाने से पहले आप इस तरह से इसे स्टिचिंग कर दीजिएगा, 1.5 इंच तक ऐसे इस तरह से फोल्ड लगाइए कोने से,
नेड़ी नेफे के नीचे यानी नाड़ी के नीचे इस तरह से हमें ये स्टिचिंग करनी है 1.5 इंच। ठीक है दोस्तों, अब हम लगाएंगे कमर में नेफा लगाएंगे। तो नेफे के लिए हमारा तैयार नेफा 2 इंच चाहिए, इसलिए हमने 4 इंच पट्टी चौड़ी काट ली है, देख सकते हैं 4। अभी हम इसे लगाएंगे इस तरह से, तो हमारा 2 इंच नेफा रेडी आ जाएगा। इस तरह से 2 इंच हमारा नेफा रेडी आ जाएगा। इसके लिए हमें 4 इंच पट्टी, इस तरह से 4 इंच चौड़ी पट्टी, और ये हमारे नेफे की साइज की पट्टी हमने काट ली इस तरह से। ठीक है दोस्तों, अब हम लगाएंगे इसे नेफा। देखिए दोस्तों, हमारा पेटीकोट पूरा रेडी है। अभी कस्टमर की डिमांड थी कि इसका घेरा थोड़ा बड़ा चाहिए, इसलिए हमने इसका घेरा बड़ा लिया है। डबल फ्रिल चाहिए था तो हमने फ्रिल भी ली है। अब हमने नेफा भी हमें लगा लिया है, थोड़ा कपड़ा इसे कम हो गया था तो मैंने दूसरे कपड़े का नेफा लगा लिया है, तो कोई दिक्कत नहीं फ्रेंड। नाड़े के लिए हमने, देख सकते हैं आप, इस तरह से थोड़ी थोड़ी 2-2 इंच की सिलाई लगाकर नाड़े का जो यहाँ आता है फोल्डिंग का, फोल्डिंग करके पट्टी लगा दी है। इसलिए हमने कमर भी मोज ली है, हमारे कमर और घेरा पूरा नाप के अनुसार हमने क्लियर कर लिया है, ये नाड़ा सिला लिया है। तो हमारा वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हो ये भी हमें बताइएगा। तो अगली वीडियो में हमारे जल्दी मिलेंगे हम दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।